तो फ्रेंड्स, अगर आप सब आप जो वीडियो है, ये वीडियो अगर पोको X2 से देख रहे हैं या फिर Redmi Note 8 Pro से देख रहे हैं, तो गाइस आपको पता होगा कि Miui 12 अपडेट आने के बाद जो सुपर वॉलपेपर जो वॉलपेपर है गाइस एक्चुअल में, वो गाइस इस दो फोन में गाइस सपोर्टेड नहीं है। और मैं जो फोन यूज करता हूँ वो है Redmi Note 8 Pro, और उसमें भी गाइस क्या बोलूं, इसका सपोर्ट नहीं है। लेकिन मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे कुछ वीडियोस, कुछ मुझे आर्टिकल्स मिले, जिसके वजह से मुझे पता चला कि ये जो अपडेट है सुपर वॉलपेपर का एक्चुअल में, तो वो अपडेट अभी तक ये दो फोनों में गाइस सपोर्टेड नहीं है। आने वाले भविष्य में कोई अगर अपडेट आएगा तो इस दो फोन के अंदर गाइस ये अपडेट दे जाएगा। लेकिन तब तक के लिए हम क्या करें, नॉर्मल वॉलपेपर यूज करें? जी नहीं, हम यूज करेंगे सुपर वॉलपेपर, एकदम मार्स वाला, एक होगा अर्थ वाला, जो जो दिखाया जाता है गया है बाकी सब MI के फोन के अंदर। तो बिना देरी के चले वीडियो में ट्राई करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्वल स्टाइल। गाइस, इस वीडियो में बात करूंगा कि आपके Miui 12, जी हाँ, MI के फोन अगर यूज कर रहे हैं तो गाइस आपको Miui 12 के बारे में पता ही होगा। Miui 11 तो से आप Miui 12 हो गया है, तो इससे बहुत सारे चेंजेस हुआ है। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्या क्या नेक्स्ट चेंजेस हुआ है। लेकिन एक चीज है कि सुपर वॉलपेपर, जी हाँ, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है। लेकिन ये जो वॉलपेपर सिस्टम है, ये गाइस इस पोको X2 और Redmi Note 8 Pro में गाइस दिया नहीं है MI वालों। पता नहीं क्या कर दिया इन दो फोन में, क्या पता नहीं क्या दोष कर दिया। तो इसको दोष को जो हटाने के लिए मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, पहला चीज, आपको एक वॉलपेपर ऐप की जरूरत पड़ेगी, एक वॉलपेपर ऐप जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद जो पार्टिकुलर जो दो दो वॉलपेपर है, एक होगा MI अर्थ, जो अर्थ वाला है, एक होगा मार्स वाला, तो ये दोनों वॉलपेपर का लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एक एक 80 MB के गाइस आसपास है दो दो वॉलपेपर, तो आपको कुल मिलाकर गाइस 200 MB के अंदर तीन ऐप गाइस आपको मिल जाएंगे, वॉलपेपर ऐप प्लस 2 वॉलपेपर। तो ये दो तीन चीज गाइस आपको डाउनलोड कर लेनी है। पहले आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, जो प्ले स्टोर वाला एप्लीकेशन है वॉलपेपर पिकर ऐप गाइस, उसको पूरी तरह से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल कर लिया अब गाइस जो वॉलपेपर ऐप्स है उनको भी इंस्टॉल कर लीजिए। एक बाई इसको भी इंस्टॉल कर दिया, आप छोड़ दीजिए। जो वॉलपेपर ऐप आपने गाइस जो इंस्टॉल किया था उसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद गाइस वहां पे कुछ परमिशन पाएंगे, तो परमिशन दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्ले स्टोर से डाउनलोड किया ऐप है, आपका डेटा का गाइस पूरा का पूरा सिक्योर रहेगा यहाँ पे। आप गाइस क्या करेंगे, देखिए ऊपर गाइस एक आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा। जी हाँ, सर्च के ऑप्शन पे जाने के बाद आप वहां पे वॉलपेपर टाइप कीजिए। वॉलपेपर लिख दिया गाइस, पिक अप अ वॉलपेपर, आपको एकदम गाइस सेम टू सेम जैसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ गाइस, सेम टू सेम वैसे ही दिया। वहां पे पेस्ट करने के बाद गाइस आपको दो दो वॉलपेपर गाइस को दिखाई देगा, जो वॉलपेपर आपको पसंद आए वो सेट कीजिए। उसको होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन इन दोनों में गाइस सेट कर दीजिए, बस आपका काम हो। अब अपना फोन है उसको लॉक करके अनलॉक करिए, आपका जो फुल ट्रांजेक्शन है गाइस वो सारा का सारा कुछ मिल जाएगा। जल्दी जाके लिंक से गाइस डाउनलोड कीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही गाइस टिप्स एंड ट्रिक्स पाने के लिए। तो अगले से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।